अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मक्का क्लॉक पर एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, मतलब मक्का क्लॉक पर एक बिजली गिरती है और फिर मक्का में ऐसा तूफान आता है, ऐसे जलजले आते हैं जिसे देखकर दुनिया भर के मुसलमान हैरान हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप इसे एक बस एक तूफान समझ रहे हो तो आप गलत है। यह अल्लाह पाक की कोई वार्निंग हो सकती है या कोई साइन हो सकती है या हमारे लिए कोई पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन हमें कुरान से क्या पता चलता है कि कैसे सालेह अलैहिस्सलाम के कौम पर अल्लाह पाक ने थंडर बोल्ट गिराया था, जो अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहे थे सिवाय सालेह अलैहिस्सलाम के और जो हक पर थे, और कैसे नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफान था आप उसे तो नहीं भूल गए ना। तो सोचो, हम इतने गुनाह कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें भी पनिशमेंट दे सकते थे ना। लेकिन ये हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं जिससे हम बचे हुए हैं। तो अल्लाह पाक तो हमें एक झटके में ख़त्म कर दे, ना हम नमाज़ पढ़ते ना हमारे नेक अमल है। और अभी जो मक्का में जो फ्लड आया, तूफान आया, इसे ना अल्लाह पाक की एक वार्निंग समझे, तौबा कर ले और दीन पे आ जाए, ठीक है। और कभी भी कुछ भी हो सकता है, आज कयामत बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, इतना ध्यान में रखो। और ये शेयर करो सबके साथ, क्या मालूम ये रील के बदले किसी को